गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रज वर नागर गोकुल रंजन काना गोपी प्राण धन मदन मनोहर गोपी प्राण धन मदन मनोहर कालिय दमन विधाना कालिय दमन विधाना यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना अमला हरिला अमिया विलासा अमला हरिना अमिया विलासा विपिन पुरंदर नवीन नागरवर विपिन पुरंदर नवीन नागरवर वंशीवदन सुभाषा वंशीवदन सुभाषा यशोमति नंदन ब्रजवर रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना कुलनाशन ब्रज जन पावलन सुकुलनाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर राश रसिक कृपा माया राश रसिक कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रया भक्ति विनोद आश्रया हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम श्रीमद्भागवतम
जहां तक अध्ययन के तो सारे बढ़ेंगे। हमने देखा कि नंद महाराज मथुरा से लौट के चले गए और कृष्ण बलराम को एक लीला के अनुसार कृष्ण बलराम को लेके गए अप्रकट लीला के अनुसार, और प्रकट लीला के अनुसार कृष्ण बलराम मथुरा में रह गए और नंद महाराज बिना कृष्ण के वहां चले गए। कृष्ण के बिना ही नंद महाराज गए, कहाँ गए? वृंदावन। इसके बारे में जीव गोस्वामी ने एक श्लोक कोट किया है, कृष्ण का जो नंद महाराज जो खाली हाथ से चले गए, इसको लेके जीव गोस्वामी ने कारी का श्लोक, वो हो सकता है उन्होंने लिखा या फिर उन्होंने कोट किया है कहीं से। जीव गोस्वामी कहते हैं, अहो भगवतो नौमि बलात् सर्व प्रवर्तनम दाहिणोत् य स्वस्वन्नेपि श्री नंदा दीनपि व्रजे। इसका अर्थ है जी, अहो मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ कि उनकी बलपूर्वक भगवान की बलपूर्वक कार्य करने में प्रेरित करने वाली शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान को, भगवान की उस शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ जो जीवों को, भक्तों को बलपूर्वक कोई कार्य करवाती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो शक्ति ने श्री कृष्ण के बिना ही नंद महाराज को खाली हाथ से वृंदावन ब्रज में जाने को प्रेरित किया। भगवान की वो शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ जो बलपूर्वक भक्तों को कुछ कार्य करने को प्रेरित करती है, जिसके फल स्वरूप खाली हाथ से नंद महाराज मथुरा से वृंदावन चले गए, कृष्ण बलराम को नहीं लेकर के चले गए। फिर कहते हैं, वाम व्रजेश्वरी सोचामी वाम च वृंदावनेश्वरी कृष्णम विना गतेश्वेशु आहा जीविष्यत कथम। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, हे ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी कौन है? माता यशोदा। हे माता यशोदा और वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी कौन है? श्री राधिके। हे माता यशोदा, हे श्रीमती राधिके, मैं आप दोनों के ऊपर मैं शोक कर रहा हूं। क्या शोक कर रहा हूं? मैं शोक ये कर रहा हूं कि नंद और नंद आदि जो जो गोप हैं, जो ग्वाले हैं, वो मथुरा से जब खाली हाथ से लौटेंगे वृंदावन में, तब आप को जब पता चलेगा कि नंद महाराज और सब ग्वाले खाली हाथ से आ गए हैं, तो आप जीवित कैसे रहेंगे? आप कैसे अपना जीवित रह पाएंगे जब आपको समाचार मिलेगा कि नंद महाराज खाली हाथ से आए हैं? ये श्लोक जीव गोस्वामी ने किया। तो भगवान की ये शक्ति है, ये शक्ति का हमने परिचय हम लोग को इसमें भी मिला, रामायण में भी। कोई बता सकता है रामायण में इस शक्ति का परिचय कब मिला, कैसे मिला? हाथ उठाइए अगर कोई बता सकते हैं तो। ये भगवान की बलवान एक शक्ति है जो कभी कभी असंभव को संभव कर देती है। अघटन घटन, अघटन को घटन, अघटन घटन पटियसी, भगवान की शक्ति का नाम है। अघटन घटन पटियसी
सी, मतलब जो असंभव को संभव कर सकती है, संभव को असंभव कर सकती है। तो मथुरा से कृष्ण को लिए बिना आनंद महाराज के लिए आना असंभव था, लेकिन भगवान की वो शक्ति कार्य की, वो आए वापस। क्योंकि यशोदा माता किसी तरह से कृष्ण को जाने को देने को तैयार नहीं थी, और गोपियां भी किसी भी तरह के जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन नंद महाराज ने उन सबको प्रॉमिस किया था कि ना, यशोदा माता को भी नंद महाराज ने प्रॉमिस किया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कृष्ण को वापस लिए बिना नहीं आऊंगा, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है ना। तब यशोदा माता ने छोड़ा था। वो नंद महाराज अभी कैसे खाली हाथ वापस जा रहे हैं, गोपियों को क्या बोलेंगे, यशोदा को क्या बोलेंगे। यहाँ पर वो शक्ति भगवान की काम की, ऐसे ही शक्ति रामायण में भरत के ऊपर काम की। भरत जी पूरा दल बल के साथ गए थे रामचंद्र को लौटा के आएंगे, और पूरा प्रयास किया, कितना दिन मतलब चर्चा हुई, डिबेट चला कि वापस जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ शक्ति का खेल हुआ कि भरत जी खुद ही खुशी से रामचंद्र को वहां रख के उनकी पादुका लेके वापस आए। वहां पर रामचंद्र की वो अचिंत शक्ति के काम की। हरे कृष्ण। तो यही बात जी गोस्वामी कहते हैं कि वो शक्ति को प्रणाम है भगवान की, जो भगवान की ये शक्ति जो इस तरह से कार्य करती है। ये सब चैप्टर कंप्लीट हुआ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अथ सुरसुतो राजन् पुत्रयो समकारय पुरोधशा ब्राह्मणेश्च यथावत द्विज संस्कृते। इसके बाद वसुदेव, वसुदेव को यहाँ सूर्यसुत कहा है, मतलब राजा सूरसेन का पुत्र है वसुदेव। यहाँ पर सूर्यसुत कहने का यह अर्थ है कि वसुदेव क्षत्रिय कुल के हैं और नंद महाराज वैश्य कुल में है। राजा वसुदेव जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे, उन्होंने इसके बाद दोनों पुत्र का द्विज क्या हो रही संस्कार करवाया। द्विज संस्कार, द्विज संस्कार क्या होता है? द्विज संस्कार, द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म, द्विज, द्विज दूसरा जन्म। द्विज किसको कहते हैं? तो ब्राह्मण था उसको द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं कि दांत दो बार जन्मता है, और पंछी को भी द्विज कहते हैं क्योंकि पंछी भी एक बार अंडा जन्म होता है पक्षी का, फिर अंडे से पंछी निकलता है। तो द्विज पंछी को कहते हैं, द्विज दांत को कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। ब्राह्मण का दो बारा जन्म कैसे होता है? पहला जन्म होता है माँ के गर्भ, दूसरा जन्म होता है गायत्री, कोई बीच में फोन लगा दिया मैं। द्विज द्वितीय जन्म, ब्राह्मण का दो जन्म होता है, एक बार माँ के गर्भ से जन्म हुआ वो जन्म है, दूसरा जब दीक्षा होती है गुरुदेव उनको दीक्षा देते हैं तब उसका दूसरा जन्म होता है। ये द्विज संस्कार करने से होता है। शास्त्र में कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात भवे द्विज, वेद पठनात भवति ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र होके जन्म लेते हैं, जब उनका संस्कार होता है तो द्विज बनते हैं। संस्कार मतलब, संस्कार मतलब संस्कार कुछ होते हैं अलग अलग प्रकार के, संस्कार होने से द्विज होते हैं। और उसके बाद जब वेद का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो विप्र होता है, और वेद अध्ययन कर लेते हैं पूरा, वेद अध्ययन पूरा हो जाता है और ब्रह्म को जान जाने से ब्राह्मण होते हैं। तो जन्म से शूद्र, संस्कार होने से द्विज, वेद पाठ करने का जब अधिकार प्राप्त होता है वेद पढ़ने से विप्र होता है, और फिर जब ब्रह्म को जान लेता है तो ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो द्विज
केवल उच्च जाति के लोग बन सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और के लोग को द्विज संस्कार होता है और उच्च कुलों में द्विज संस्कार होता है। तो अब ये द्विज संस्कार कृष्ण बलराम का नहीं हुआ था, नहीं हुआ था अभी तक। 11 साल की उम्र से तो बचपन में हो जाता है, लेकिन 11 साल की उम्र हो गई थी, द्विज संस्कार नहीं हुआ था। तो वसुदेव और देवकी ने ये सबसे पहले एक काम करवाया, अपने बच्चों को संस्कार करवाया, द्विज संस्कार करवाया। मतलब वसुदेव और देवकी के नजर में दूसरा है, उनकी नजर में ये कि हमारे बच्चे जंगल में खाली बड़े हुए हैं, आदिवासी और ऐसे जगह में, और वहां पर खाली गाय चराने के सिवा कुछ उनको आता नहीं है। तो अभी हमको अपने परिवार के हिसाब से उसके अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे। हमारे कुल परंपरा के हिसाब से कृष्ण बलराम को हमें अपने कुल के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, उनको जो बचपन से तैयार किया जाता है अभी करना पड़ेगा, ये उनका भाव है। वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम का द्विज संस्कार करवाया। ये जीव गोस्वामी कहते हैं ये 3 महीने के बाद किया है, मतलब जब नंद महाराज चले गए उसके 3 महीने के बाद संस्कार हुआ। किससे करवाया द्विज संस्कार? तो गर्गाचार्य से। आप लोगों ने गर्गाचार्य नाम सुना होगा, जितने भी ऋषि मुनि हैं गर्गाचार्य बहुत ऊंचे लेवल के हैं। गर्ग संहिता है उनकी लिखी हुई, और उनकी पुत्री गार्गी है, जो इतिहास में स्त्रियों में सबसे स्त्रियों में से जो कुछ स्पेशल स्त्रियां हैं, जो जिनका वेद में अधिकार हुआ है, जिन्होंने बहुत ऊंचा अधिकार प्राप्त किया, उसमें से एक है गार्गी, जिनका वेद में नाम आता है, वेदों में जिनका नाम आया है गार्गी का, वो है गर्गाचार्य की पुत्री। वो गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण बलराम का द्विज संस्कार किया। द्विज संस्कार मतलब क्या? उपनयन संस्कार, जैसे हम लोग पोइता कहते हैं ना, यज्ञ उपवीत जनोई संस्कार, तो जनोई का संस्कार श्री कृष्ण बलराम का अभी हुआ, 11 साल की उम्र के बाद। मतलब वृंदावन से मथुरा आए और वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार करवाया। उपनयन संस्कार तो आप लोग जानते हैं, सब लोग, आप लोग के समाज में होता ही है, सब सब लोग का, लगभग सब लोग जानते हैं, खाली मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा जैन परिवार में जन्म हुआ तो वहां पर एक कल्चर ही नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं क्या होता है, मैंने देखा नहीं अपने अपने उधर पिछले जीवन में, जन्म जन्म पिछले जीवन में जीवन का, लेकिन यहाँ पर भी आकर के ज्यादा कुछ देखा नहीं कैसे होता है क्या होता है, लेकिन आप लोग तो देखें सब जो यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, वो संस्कार हुआ श्री कृष्ण बल्ला। इसके बाद जो लोग संस्कार में भाग लिए थे, जितने भी बहुत ब्राह्मणों को इनवाइट किया, बहुत बड़े रूप से, आजकल आप लोग तो समाज में जनेऊ संस्कार भी बहुत बड़ा किया जाता है ना, बहुत खर्चा करते लोग जनेऊ संस्कार में भी, लाखों रुपए का खर्चा करते, कभी कभी तो लोग शादी के जैसा ही बड़ा कर लेते हैं। तो वसुदेव देवकी ने भी बहुत बड़े बड़े रूप में किया, क्योंकि पहली बार इतने दिन के बाद कृष्ण बलराम घर पे आए, अभी तक कुछ 11 साल में कुछ भी नहीं किया है सेलिब्रेशन, इसलिए जनेऊ संस्कार को बहुत बड़ा रूप में किया गया। जितने भी ब्राह्मण आए थे सब ब्राह्मणों को बछड़े के साथ दूध देने वाली गाय, उस गाय के सिंह को सोने से मढ़ा,
सोने से मढ़ा हुआ उनके सिंह और गले में रुपए की चांदी की माला पहनी हुई है। इस तरह से सोना और चांदी से अलंकृत गायों को दान दिया। बहुत गायों को, नंबर तो नहीं लिखा है कितनी गाय, लेकिन सोने की माला पहने, रुक्मा माला लिखा, सोने की माला पहने, सोना चांदी रेशमी वस्त्रों से सजी हुई डेकोरेशन किया हुआ है गाय को, और बछड़े के साथ दुधारू गाय दान में दी। संख्या यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन ये संख्या का, ये संख्या लिखी है वहां पर, जब या कृष्ण राम जन्मक्षे मनोदत्ता महामति ताश्चा ददात अनुस्मृत्य कंसेन अधर्म तो हृता। तो ये लिखा ऐसा कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में, उस समय वसुदेव ने संकल्प लिया था कि मैं इतनी गाय दान करूंगा। जेल में ही संकल्प किया, जैसे ही जन्म हुआ उन्होंने, ये राजा लोग का नियम था, जब कोई अच्छा कार्य होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो कुछ न कुछ तुरंत दान देने का संकल्प करना होता है। तो वो दान देने का सोचे, लेकिन जेल में कर नहीं पाए थे। और बलराम का जब जन्म हुआ, तभी भी उन्होंने सोचा था, बलराम के लिए उन्होंने एकदम कैलकुलेशन करके रख लिया था कि इतनी लाख गाय मैं बलराम के नाम से ब्राह्मणों को दान करूंगा, इतनी लाख गाय मैं कृष्ण के नाम से ब्राह्मणों को दान करूंगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? अपने पुत्र के मंगल के लिए, कि मेरे पुत्र के नाम से, जैसे पिता है अपने पुत्र के नाम से अगर 1 लाख का दान करता है, तो उसका पुण्य उनके पुत्र को प्राप्त होगा और उनका पुत्र चिरंजीवी होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा सोच के माता पिता अपने पुत्र के नाम से संकल्प लेते और दान करते हैं। तो वसुदेव ने जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि कृष्ण के नाम से मैं ब्राह्मणों को इतनी गायें दान करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। और बलराम जी के नाम से इतनी लिखा है, या कृष्ण राम जन्मक्ष, राम कृष्ण और राम, कृष्ण और बलराम का जन्मक्ष, जन्मदिन के ऊपर मनोदत्ता, मन में उन्होंने दान कर दिया था, मन में उन्होंने मनोदत्ता लिखा है, मन में दान कर दिया था वसुदेव ने। ये जो गौशाला में ये गाय है, इतनी गाय बंधी हुई है, ये पूरी गौशाला, ये वाली गौशाला पूरी मैं दान दे रहा हूँ। तो एक एक गौशाला होती है ना, मतलब सैकड़ों गौशाला होती है, एक गौशाला में समझ लीजिए दूध देने वाली गाय है, एक गौशाला में काले रंग की गाय है, एक गौशाला में सफेद रंग की गाय है, एक गौशाला में अभी बछड़ा जन्म लिया है, एक गौशाला में बछड़े को 3 महीना हो गया है, एक गौशाला में बछड़े को 6 महीना हो गया है, अभी दूध देना बंद कर दिए, एक बछड़े में अभी बच्चा होने वाला है, ऐसे अलग 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 कैटेगरी की गौशालाएं हैं वृंदावन में भी, नंद महाराज के ऐसे ही वसुदेव के पास। तो उन्होंने पर्टिकुलर कुछ गायों के बारे में सोचा कि ये वाली गौशाला, ये वाली गौशाला में जितनी गाय है मैं कृष्ण के नाम से दान कर रहा हूँ, और ये वाली गौशाला में बलराम के लिए दान कर रहा हूँ। ऐसे मनोदत्ता मतलब उन्होंने सोच के रख दिया था पहले ही। लेकिन वो गाय जिसके बारे में वसुदेव ने सोचा था कि मैं दान में दे रहा हूँ, वो कंस ने छीन लिया था। कंस ने अधर्म तो हृता, कंस ने उन गायों को छीन के अपने कब्जे में कर लिया था। लिखा है कंस ने अधर्म तो, अधर्म से मतलब जबरदस्ती अपने अपना चंगुल अपने दखल में ले लिया था उन गायों को, जिस गाय को दान करने का वसुदेव ने सोचा था। तो फिर कैसे होगा, जो गाय को उन्होंने दान देने का सोचा उसको कंस ने दखल कर लिया। अभी जैसे ही कारागार से मुक्त हुए वसुदेव और देवकी, तुरंत उस गौशाला को उन्होंने खुलवाया और अपने कंट्रोल में लेके उन गायों को जिसको उन्होंने पहले सोचा था, उनको, उन्हीं गायों को दान में दिया। ये बात जी गोस्वामी लिख रहे हैं कि वो गाय जिनके बारे में उन्होंने पहले सोच के रखा था, उन्हीं वही गायों को दान दिया। कब दान दिया? उपनयन संस्कार,
जनेऊ संस्कार में जो जन्मदिन के समय करना था, जो कार्य को जन्म के समय दान देना था वो नहीं दे पाए थे, वही कार्य उपनयन के दिन कर लिया। तो ऐसे बड़े मौके पे उपनयन संस्कार व विवाह संस्कार व जब उस समय गृहस्थ को कर्तव्य बनता है कि दान दान बहुत करे, दक्षिणा जितना दिल भर के जी भर के दान करना चाहिए, और जिनका कार्य हो रहा उनके नाम से करना चाहिए, जिसके जिसके लिए कार्य आप करें उनके नाम से दान वान करना चाहिए, तो उनको फायदा होता है, पुण्य मिलता है, जैसे वसुदेव देव की कर रहे हैं अपने पुत्र के लिए। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजोत्तम प्राप्त सुव्रतो गर्गात यगो यदुकुलाचार्यात गायत्रम व्रतमास्तुतो। इसके बाद इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी ने संस्कार कराकर से बलराम जी और भगवान कृष्ण द्विजत्व प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य अखंड था, तब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए नियमित स्वीकार किया। जैसे गर्गाचार्य को क्या कहा गया, यदुकुल के आचार्य यादव वंश है जिसमें कृष्ण ने जन्म लिया है, उनके आचार्य हैं गर्गाचार्य। तो उन्होंने कृष्ण बलराम को पहले जनेऊ संस्कार किया। आप लोगों को पता होगा जनेऊ के बाद ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, जनेऊ के बाद ब्रह्मचर्य पालन करना होता है एक्चुअली शादी तक, लेकिन आजकल वो हम देखा बंगाल में एक सिस्टम चलता है कि जनेऊ के बाद 6 दिन का ब्रह्मचर्य, 3 दिन का ब्रह्मचर्य, ऐसा सिस्टम अभी चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैंने सुना कि उनको 3 दिन अंधेरे में रहना होता है, कहीं बाहर नहीं जाते, लाइट नहीं देखते, उसके बाद उनको पूरा बॉयल खिलाते, 3 दिन सूखा उखा खाते हैं, बॉयल खाना खाते हैं, और भिक्षा करना होता है, मतलब पूरा स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य जो वैदिक युग में था, ऐसा जीवन 3 दिन बंगाल में अभी भी फॉलो करते हैं, मैंने सुना कुछ लोगों से। तो यहाँ पर भी जनेऊ संस्कार के बाद गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण बलराम को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और ब्रह्मचर्य पालन करने के नियम बताए और उसके हिसाब से जीवन जीने का उनको शिक्षा दिया, और फिर उनको गायत्री मंत्र जाप करने को सिखाया और गायत्री व्रत चालू किए। तो दो चीज हुआ, कृष्ण बलराम का मथुरा में आकर के एक तो जनेऊ पहने उपनयन संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्य का लाइफस्टाइल शिक्षा मिला और जीने को कहा गया, और उनको गायत्री मंत्र का जप करने का आरंभ किया। तो ये गायत्री मंत्र जब कोई ब्राह्मण दीक्षा होती है वा द्विज संस्कार होता है तो दिन में 3 बार गायत्री मंत्र जप करना होता है, एक सुबह सूर्य उदय के समय और एक मध्यान्ह काल में, जब सूर्य दोपहर को मध्यान्ह काल में होता है तब, और एक सायं काल जब सूर्य डूबता है तब। 3 बार गायत्री का जप करना चाहिए। अगर कोई गायत्री का जप नहीं करता है और बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूं तो वो झूठा है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब जो गायत्री का जप करे वही ब्राह्मण है। तो बहुत लोग जनेऊ पहने, अगर जनेऊ पहना है लेकिन कभी गायत्री नहीं कर तो जनेऊ को फेंक देना चाहिए, फिर बेकार का पहन कर रखे, खाली लोगों को दिखाने के लिए वो सूता पहना हुआ है, जनेऊ नहीं है। जनेऊ वही है जो डेली गायत्री करता है, उसका ही जनेऊ पहना सार्थक है। जो गायत्री नहीं करता वो खाली सूता पहना है, सूते में चाबी को बांध के रखा है, चाबी लटकाने के लिए जो लोग सूता पहनते हैं वो फिर वो गायत्री का वो सूता नहीं है, वो चाबी लटकाने का ही सूता है, उसमें चाबी बांधते हैं सूते में, और उससे चाबी में आजकल वो चाबी को लगाने के लिए यूज कर लिया। आजकल मैं देखा हूँ बहुत लोग जनेऊ में अपने घर की चाबियों को जनेऊ में बांध के रख लेते हैं, ज्यादातर लोग उसी काम में आ रहा है कि गायत्री तो जप कर नहीं रहे। तो ऐसे गायत्री और जनेऊ और ब्राह्मण तो ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मण तो होता है, जनेऊ पहनना पड़ता है और 3 बार गायत्री करनी होती है, और गायत्री का जप शास्त्र के हिसाब से कभी मुंह से उच्चारण करके किया नहीं जाता है,
उसको हमारे होठ हिलने नहीं चाहिए। अगर होठ हिलते हैं तो गायत्री व्यर्थ हो गया, फेल हो गया। होठ हिलना नहीं चाहिए, अंदर में गायत्री का, अंदर में एकदम हृदय के अंदर उच्चारण होना चाहिए, तभी गायत्री गायत्री कहा जाए। कभी वो बोलेंगे तो उसका पावर खत्म हो जाता है गायत्री का। गुरुदेव कान में बोलते हैं दीक्षा के समय, और हम लोग सुनते हैं, फिर उसको मन में डेली जप करना है। ये गायत्री का जाप है। और हमारे इस्कॉन में केवल इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं, जो फेमस है, सब लोग जो आजकल सब जगह मोबाइल में बजता रहता है, रास्ते में बजता रहता है, वो उसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ गायत्री जो हम लोग को परंपरा से मिलती है। एक गुरु गायत्री है जो गुरुदेव के लिए होती है, गौर गायत्री जो चैतन्य महाप्रभु के लिए होती है, और एक है कृष्ण गायत्री जो कृष्ण के लिए होती है। तो हम लोग को 5 गायत्री मंत्र होता है, जिसका हम लोग जप करते हैं डेली। 5 गायत्री का दिन में 3 बार जप करना होता है। ये ब्राह्मण दीक्षा में, इस्कॉन का ब्राह्मण दीक्षा ऐसा होता है। तो भगवान ने भी ये गायत्री का जप किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद गायत्री का जप कर रहे हैं, तो ये इस मौके पे मैं गायत्री के बारे में बता रहा हूँ। कृष्ण डेली गायत्री का जप करते थे। द्वारका में जब भगवान की दैनंदिन लीला का वर्णन आता है कि भगवान सुबह से शाम तक क्या क्या करते थे, वहां पर भी सुबह उठ के उनका गायत्री जप का लिखा हुआ है कि सुबह उठ के गायत्री का जप करते थे। भगवान ने सारा जीवन मेंटेन किया। भगवान ने जो गायत्री का उपनयन संस्कार लिया, पोइता लिया, तो पोइता को सारा जीवन मेंटेन किया। सोचिए भगवान के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा मेंटेन करना। कभी महाभारत का युद्ध हो रहा है तो कभी द्वारका में जाना पड़ रहा है, तो कभी मथुरा जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी उस असुर का आक्रमण, इसके बीच में गायत्री को कैसे मेंटेन किया होंगे, बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा। आजकल भक्त लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं गायत्री का, कि कभी कहीं बिजनेस में तो कभी नौकरी में, तो कभी ट्रैवलिंग करें तो कभी क्या कर रहे हैं, तो गायत्री तो ऐसे जैसे तैसे अवस्था में जप नहीं हो सकता, उसके लिए तो नहाना पड़ता है और पवित्र अवस्था में जप होता है। गायत्री नहाए बिना, पवित्र अवस्था के बिना नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? तो भवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो नान्य सिद्धामल ज्ञानं गुहमारुह्य ते। ये राजा परीक्षित, श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं। कृष्ण बलराम पूरे जगत के स्वामी हैं वो, और वो सर्वज्ञ हैं। उन वो सब जानते हैं, उनको कुछ सीखने का नहीं है, फिर भी गर्गाचार्य से उनको शिक्षा ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले रहे हैं, गायत्री की शिक्षा ले रहे हैं। क्या कृष्ण जानते नहीं? क्या उनको गायत्री मंत्र पता नहीं है, ब्रह्मचर्य के बारे में पता नहीं है? क्यों शिक्षा ले रहे हैं? भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सभी विद्या उनसे ही निकलती हैं, सारी विद्याएं तो भगवान से ही प्रकट हुई है। विद्याएं आई कहाँ से? भगवान से आई है। सुखदेव गोस्वामी खुद बोल रहे हैं कि प्रभवो सर्व विद्यानां, सब विद्याओं का सोर्स है, उत्स है, रूट है, उनसे सब विद्या निकली है, सब मंत्र उनसे ही निकले हैं। गायत्री मंत्र हो चाहे जो भी मंत्र हो, भगवान की बंसी से तो सब मंत्र निकलते हैं। वो भगवान उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, भगवान का ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की लीला करके उसे छिपा रखा था। इसलिए मनुष्य की लीला करते हुए वो ज्ञान को, मनुष्य को लीला करने के समय जैसे कि वो
सीख रहे हैं, ऐसा उन्होंने अभिनय किया कि उनको भूल गए थे और उनको कोई याद दिला रहा है, ऐसा भगवान ने लीला किया, मनुष्य लीला में उन्होंने ऐसा किया। गुह मानो नरे हृदय, उन्होंने उन विद्याओं को छुपा के रखा है। भगवान के अंदर असंख्य विद्याएं हैं, सब विद्या उनसे निकले, लेकिन सब विद्याओं को उन्होंने छुपा के रखा है, प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नर लीला कर रहे हैं। सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो प्रकट नहीं करते हैं, सर्व विद्याओं के ज्ञान उनको प्रकट नहीं करते हैं, उन सब विद्याओं को छुपा के रखते हैं भगवान। पथो गुरुकुले वासं इच्छन्तो उपजग्मतु काश्यं सान्दीपनिं नाम यवन्ति पुरवासिनम्। सुदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज इसके बाद गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से वे अवंतीपुर रहने वाले कश्यप गोत्र के शांतिपुर आचार्य के पास गए। तब भगवान ने कहा कि हमें अभी गुरुकुल जाना है। भगवान ने इच्छा प्रकाश की कि हम लोग का तो उपनयन संस्कार हो गया, ब्रह्मचर्य शिक्षा हो गया, गायत्री शिक्षा हो गया, लेकिन अभी वेद अध्ययन करना जरूरी है, सब विद्याओं को लाभ करना जरूरी है, इसलिए हमें गुरुकुल भेजिए। तो भगवान कृष्ण बलराम ने माता पिता से निवेदन किया गुरुकुल के लिए, और वसुदेव देव ने भी सोचा कि इनको अभी शिक्षा देना बहुत जरूरी, क्योंकि तो खाली गाय चराए, गाय चराने वालों को क्या शिक्षा हो सकती है, इसलिए इनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है, हमारे कुल के परंपरा के हिसाब से इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको बड़ा होकर राजा बनना है, बहुत ग्रस्त बनना है, बहुत कुछ करना है, इनको शिक्षा देनी जरूरत है, इसलिए उनको गुरुकुल भेजने की व्यवस्था की गई। तो इसका उत्तर तो पहले श्लोक में दे दिया गया कि सर्व विद्याओं के स्रोत भगवान है, सर्वज्ञ हैं, इस पूरे संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं, फिर भी नरलीला करते हुए उन्होंने सब ज्ञान को छुपा दिया था, जैसे उनको कुछ पता नहीं है, इस प्रकार वो लीला कर रहे थे, इसलिए उनको गुरुकुल भेजा गया। कहाँ गए गुरुकुल? अवंतीपुर। अवंतीपुर का वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन। उज्जैन में कृष्ण बलराम को भेजा गया। उज्जैन में कश्यप गोत्र के एक ऋषि रहते थे, उनका नाम है सांदीपनि मुनि। सांदीपनि मुनि के पास जाकर के श्री कृष्ण बलराम उनको गुरु बनाए और उनके गुरुकुल में गुरु शिक्षा लाभ करने लगे। देखिए जगत के गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु खुद किसी को गुरु बना रहे हैं, जगत गुरु कृष्ण को गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए गुरु बना रहे हैं, हमें शिक्षा देने के लिए गुरु बना रहे हैं। यथोपसाद तो दांतो गुरो वृत्तिम अनिंदिता ग्रायन्तो पेतोष्मा भक्त्या देवं निवादृतो। तो गुरु के पास गए कृष्ण बलराम दोनों, और बहुत विनम्रता, जैसे जैसे कोई भी साधारण बालक गुरुकुल जाता है, वो अपने गुरु के आश्रय में जिस प्रकार से रहता है वैसे ही भगवान रहे। ऐसा नहीं कि मैं द्वारिका नाथ हूं,
हरे कृष्णा हरे बोल। तो नेट बंद हो गया था थोड़ा देर के लिए। दान तो लिखा है, दान तो कहा थे इंद्रिय संयम। कृष्ण बलराम ने वहां पर इंद्रिय संयम किया। इंद्रिय संयम करने का मतलब क्या है? इंद्रिय संयम करने का मतलब है कि वहां पर जो भोजन मिलता था सबको वही भोजन करते थे। सबको अगर सूखा रोटी मिलेगा तो वो भी सूखा रोटी खा लेते थे। सब लोग अगर उपवास रखते थे तो कृष्ण बलराम भी उपवास रखते थे। वो कोई स्पेशल कुछ उनका नहीं था। गड़बड़ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, गड़बड़ करता रहता है। हाँ हाथ नीचा करिए, हाथ क्या ना तुल रखे छन काय थकले, कमेंट लिखो। हरे कृष्ण। तो दान तो कहा थे इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का अर्थ है गुरुकुल में जैसे खाना मिल रहा है वैसे ही खाना खाते थे। मतलब अभी राजकुमार थे तो पहले तो नंद महाराज घर पे तो बहुत मक्खन और मिश्री जीवन भर खाए हैं, चोरी भी किए हैं, लेकिन यहाँ वो सब नहीं चलेगा। और जब वसुदेव के घर में महल में थे वहां पर भी 56 भोग डेली लग रहा था। तो मथुरा में डेली 56 भोग मिल रहा था और नंद महाराज गोकुल में तो कोई लिमिट नहीं था। लेकिन वही श्री कृष्ण बलराम जब गुरुकुल में पहुंचे तो वहां जो सुदामा ब्राह्मण खा रहे थे वही वो भी खा रहे थे। कभी चना से बना तो कभी सूखा रोटी तो कभी उपवास। इसलिए दान तो लिखा है। और कपड़े में भी वैसे ही राजकुमार का कपड़ा नहीं, जो कपड़ा वहां पर मिल रहा है गुरुकुल में वही कपड़ा पहनते थे। सोने का भी ऐसा ही, कभी मिट्टी पे शयन शयन करना होता तो शायद गुरुकुल में मुझे लगता है वो लोग जमीन पे ही शयन करते थे, भूमि पे शयन करना था। और उनको जैसे जैसे गुरुकुल के नियम था, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ठंडे पानी से स्नान करना और शरीर में तेल वगैरह नहीं लगाना। हाँ, कभी तेल नहीं लगाना, सूखा शरीर, और साबुन भी नहीं लगाना। ये गुरुकुल के नियम होते हैं। कुछ तेल साबुन लगाना मना है, फिर जमीन पे सोना है, कपड़े खाली पानी में धो लेना है। कपड़े पानी में धोएंगे कपड़ों को खाली, उसके बाद खाना भी बहुत कंट्रोल में होता है। इस प्रकार का जीवन कृष्ण बलराम गुरुकुल में पालन किए। इसलिए दान तो लिखा है। उन्होंने अपना अलग से कोई स्पेशल डिमांड नहीं किया, इंद्रियों को संयम किया। गुरो वृत्तिम का अर्थ है गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही केवल जीना। जब गुरुकुल में थे कृष्ण बलराम तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार 24 घंटा जीते थे, और कुछ नहीं। अपना कोई एजेंडा नहीं, अपना कोई प्लान नहीं, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं अलग से। कभी कभी लोग अपना अलग से प्लान बनाते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है, अपना प्रोजेक्ट होता है, बाहर से दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े फॉलोवर हैं, लेकिन अपना साइड में दूसरा प्लान चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं था। कृष्ण बलराम जब गुरुकुल में थे उस समय उन्होंने किसी असुर को नहीं मारा। उस समय वो द्वारका का कोई प्लानिंग नहीं किया, मथुरा का प्लानिंग नहीं किया, वृंदावन का प्लानिंग नहीं किया। गुरुकुल में लोग गुरु के लिए थे केवल, और दूसरा कुछ काम नहीं किया उस समय के दौरान। इससे गुरु वृत्तिम लिखा है, गुरु की प्रसन्नता के लिए ही थे, और कुछ उद्देश्य नहीं जीने का। गुरु वृत्तिम अनिंदिताम, प्रशंसनीय गुरु वृत्ति को। ग्राहयन्तो उपेतोष्मा, ग्राहयन्तो शब्द आया है। खुद भी पालन करते थे, सबको दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे थे।
नंबर कितना है? 32। समित पाणित्वादि श्रुति युक्त प्रकरण दांतो। तो लकड़ी, हर दिन सुबह सुबह लकड़ी लाना था। गुरुदेव यज्ञ करेंगे, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने के पहले सूखा लकड़ी को वन से बीन के लाना था, ये सेवा भी करते थे, इसलिए समित दांतो लिखा है। समित पाणि में तो अपने हाथ से लकड़ी को काट के लेके आना था। तो कृष्ण बलराम और सुदामा सब बच्चे लोग जंगल में जाते थे, सूखा लकड़ी बीनते थे, जंगल से वह काटते थे और उसको लेके आते थे गुरु गुरु के लिए। तो ये काम कृष्ण भी करते थे। और क्या लिखा है? समित पाणि दांतोत निवेद्य गोत्रम स्वाध्याय आचारेणाभ्यलंकृतो शुश्रूषो निरहंकारो वो राम जनाधि। हरिवंश पुराण में लिखा है कि कृष्ण और बलराम दोनों लकड़ी लाते थे, फिर स्वाध्याय गुरु के पास में बैठ के स्वाध्याय करते थे। आचरण आचारेण अभी अलंकृत हो, आचार उनका आचरण सदाचार पालन करते थे। शुश्रूषु गुरुदेव का चरण चापते थे, शाम को जब गुरुदेव सोते थे, सांदीपनि जब सोते थे, तो रात को हर दिन कृष्ण और बलराम उनके गुरुदेव के पांव दबाते थे। सोचिए, भगवान है, इनकी लक्ष्मी देवी चरण दबाती रहती है, वो भगवान गुरुकुल में सांदीपनि मुनि के चरण दबाते हैं, 10 दिन शाम को दबाते हैं। वो कैसा भगवान लीला कर रहे हैं। अभी किसी को सवाल आएगा मन में कि सांदीपनि मुनि क्यों दबवाएंगे अपने पांव, भगवान तो दबाते हैं, लेकिन गुरु की भूमिका करनी है तो उनको ये करना ही पड़ेगा। निरहंकार, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखते थे वो कृष्ण बलराम, मतलब दूसरे बच्चों को कभी बताते नहीं थे कि अरे तुम जानते हैं मैं कौन हूं, तुम लोग तो सब भिखारी हो, मैं तो राजा का पुत्र हूँ, तुम लोग सब भीख मंगे कहाँ से आए हो, मैं कौन हूँ, मैं द्वारकाधीश हूँ, ऐसा मेंटेलिटी कभी नहीं रखते थे। ऐसा मेंटेलिटी रखने वाले बहुत ही लो क्लास लोग होते हैं, जो दूसरे को सोचते हैं कि वो भिखारी है और मैं श्रेष्ठ हूँ। तो भगवान इस निरहंकार लिखा है, उनको अहंकार नहीं था मन में कि मैं कौन। उसके बाद लिखा है दान्तो गुरुवृत्तिम भक्त्या देवम इवादृतम्। भगवान की जैसे उनकी आदर करते थे, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, इस प्रकार कृष्ण बलराम अपने गुरुदेव का सम्मान करते थे भगवान के जैसा। हाँ, तो कृष्ण बलराम शिक्षा दे रहे हैं कि गुरुकुल में कैसे वास करना चाहिए और गुरुदेव की कैसे सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान कैसा करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सब भगवान शिक्षा दे रहे थे गुरुकुल में। हमने बचपन में एक सुना था कि बहुत छोटे थे तब सुना था कि कृष्ण बलराम लकड़ी काटने जाते जंगल, और फिर वहां पर तूफान आता है, बारिश आता है, तो फिर वहां पर ही वो लकड़ी काट के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सारा रात बारिश है, दूसरे दिन सुबह गुरुदेव आते हैं जंगल में और उनको कृष्ण बलराम को और उनको सुदामा को निकाल के ले जाते हैं। तो ऐसा भगवान ने सेवा किया है गुरुदेव का। तयो द्विजवरस्तुष्टा शुद्ध भावान वृत्तिभिः उवाच वेदान अखिलान सांगोपनिषदो गुरु। ये कल करेंगे। वहां पर भगवान ने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की वो हम लोग कल सुनेंगे कि भगवान को क्या क्या शिक्षाएं मिली, गुरुदेव उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।
हरे रामा राम राम हरे, कृष्ण प्रभुपाद की गोपी प्राण दना मदन मनोहर गोपी प्राण दना मदन मनोहर काली अधम विधाना काली अधम विधाना यशोमति नंदन ब्रजवदनागर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजवदनागर गोकुल रंजन काना अरे बो